सर, सबसे पहले आज की जो पेंटिंग है जो लोगों के सामने आप प्रेजेंट करने वाले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए कि आज का क्या मतलब आर्ट फॉर्म आप लोगों के सामने शो करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ये बात है जो बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिला जहांगीर आर्ट गैलरी आफ्टर लॉकडाउन ये शो करने की। और जो पेंटिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पेंटिंग फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। इस पेंटिंग का एक खासियत यह है, 12 डिफरेंट कंपोजिशन है, सेम पेंटिंग यू डू योर ओन। दोनों साइड में, बोथ साइड में आप देख पा रहे हैं, ये जितने सारे ऑप्शंस हैं ये सारा इस पेंटिंग में है। आप रोल ऑन करते जाइए, आप देख पाएंगे। तो ये फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड और फर्स्ट टाइम कहीं शो हो रहा है, तो दैट इज़ जहांगीर आर्ट गैलरी। तो यहाँ पर मैं शो करने की मौका मिला। और आज एक ऐसे दिन है, एक ऑस्पिशियस डे, आज सरस्वती पूजा है, तो आर्ट की मतलब कला की देवी है। तो उसमें मैं ये आज ये शो स्टार्ट करने का ये जो मुझे मौका मिला, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ यहाँ के जहांगीर आर्ट गैलरी के, जो ईच एंड एवरीबॉडी दे आर सो हेल्पफुल, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। तो साथ में मैं आप लोगों को भी शुक्रिया अदा करूँगा जो आप लोग आए और आप आपके सामने ये रूबरू कर पा रहे और ये सारा दिखा पा रहे। सोसाइटी और मेरी कंट्री, खाली कंट्री नहीं, मेरे पूरे वर्ल्ड में जो मुझे ये अवार्ड मिला, मुझे हाँ एक बात और कहना चाहूँगा, इस पेंटिंग के वजह से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड फाइनली लास्ट ईयर मुझे ओल्ड बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के तरफ से मुझे ऑनररी डॉक्टरेट मिला। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं आप लोगों के समक्ष मैं शेयर कर पा रहा हूँ। और साथ में आप और भी पेंटिंग जो है वो देख पाएंगे, जैसे कि ना लॉकडाउन मैंने किया, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन ये स्टार्ट किया, तो लॉकडाउन में आप देख पा रहे हैं जो मैंने किस तरह से उसको प्रेजेंट किया, मैं जो डिपिक्ट किया उसमें लॉक को जैसे फ्लिप कर दिया, तो एक रिसर्च एलिमेंट आ गया। ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या हुआ, ग्रीनरी ये सारा कुछ आपके सामने आया। और साथ में उस क्लॉथ के बीच में मैंने दिखाया, एक हाथ में मैं कंट्रोल दिखाया। आप खुद को अगर कंट्रोल कर पाते हैं तो आप ब्लेज्ड रहेंगे, आप कोरोना से दूर रहेंगे। तो ये सारा चीज़ है। इसके अलावा बाकी जो पेंटिंग मेरा आप सारा घूम के एक बार देख सकते हैं, मुझे बेहद खुशी होगी, आपको अच्छा लगे तो वो पब्लिक के बीच में आप लेके आ रहे हैं। सर, पेंटिंग्स के लिए, ये पेंटिंग जो आप आज का जो आर्ट आप प्रेजेंट करने वाले, हाँ, इसके लिए किसने इंस्पायर किया आपको इस बारे में? इसके लिए एक्चुअली मेरा था, जो इस पेंटिंग, ये जो वर्ल्ड है बहुत वास्ट है, लेकिन यहाँ पर कुछ यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। तो हाउ इट इज़, तो वो जो समथिंग डिफरेंट की जो हमारी आर्टिस्ट में उसमें बोलते ना कीड़ा, वो मेरे अंदर आया और मैं सोचा कैसे क्या कुछ डिफरेंट करूँ। तो उसकी खोज में मैं दो तीन मतलब कह सकते 6 मंथ से मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, जो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ कहीं कोई डुप्लीकेट तो नहीं है। तो ये सारा कुछ करते करते ये जो दिख रहा है, ये पीवीसी पाइप के ऊपर मैंने कैनवास रैप किया, और रैप करने के बाद टोटल 594 पीसेस आर देयर। वो उसको ब्रिक फॉर्मेट में लिया। ब्रिक फॉर्मेट में किस लिए लिया, क्योंकि मैं जब यहाँ चेंज करूँ उसके साथ साथ वहाँ चेंज ना हो जाए। तो वो हर एक को अलग अलग दिखाने के लिए मैंने ये अपनाया, और फाइनली मैं सक्सेसफुल हुआ और एडजुडिकेटर्स के सामने, इवन आप लोगों के सामने आज ये मैं बयान कर पा रहा हूँ। जहांगीर को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।